नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बारे में बात करेंगे। इसे रंगीन रातों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ की नाइट लाइफ, स्पा और खूबसूरत बीच के लिए भी जाना जाता है। बैंक ऑफ थाईलैंड की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसमें थाईलैंड की लगभग 10% आबादी रहती है। दोस्तों, मेल फीमेल बाथरूम तो आपने सब जगह देखी ही होंगी, लेकिन बैंकॉक में आपको ट्रांसजेंडर बाथरूम का विकल्प भी मिलेगा। थाईलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। मैं हूं आपका दोस्त रविकांत भारती और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स ऑफ फैक्ट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं बैंकॉक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको यहां आने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। बैंकॉक शहर एरिया के लिहाज से हमारे दिल्ली जितना बड़ा है, लेकिन यहां की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा है। बैंकॉक शहर का नाम सबसे लंबे नाम के लिए गिनीज बुक में दर्ज है। जी हाँ, इस शहर का पारंपरिक नाम है, जिसे एक साथ याद कर पाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको बैंकॉक के नाम से ही जानते हैं। अक्सर थाईलैंड और बैंकॉक को मौज मस्ती की जगह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे डिस्को, बार, मसाज सेंटर और होटल्स हैं। इसके अलावा बैंकॉक को अपनी नाइट लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ रात भर सड़कों पर लोग आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप बैंकॉक को घूमना चाहते हैं, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि थाईलैंड में शाही परिवार का अपमान करना आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है। पहले के लोग हो या फिर बाहर से घूमने आने वाले लोग, कोई भी वहां के शाही परिवार की आलोचना नहीं कर सकता है। इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। थाईलैंड देश बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई बहुत मंदिर हैं, जो कि यहाँ पर लगभग 95% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली है। इसके बाद यहाँ पर 2% मुस्लिम, 1% हिंदू और बाकी 2% अन्य धर्म के मानने वाले रहते हैं। बैंकॉक शहर विदेशी पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है, इसलिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और भारतीय भी काफी संख्या में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि भारतीयों को यहाँ घूमने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। थाईलैंड में कुल 41,200 बहुत मंदिर हैं, जिनमें से लगभग 4,000 बहुत मंदिर तो केवल बैंकॉक में स्थित हैं। यही कारण है कि वे सिटी ऑफ टेंपल यानी मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते जलस्तर के कारण समुद्र किनारे बसे बैंकॉक शहर का लगभग 1/4 हिस्सा आने वाले कुछ सालों में डूबने का अनुमान है, जिस कारण यहाँ के आधे से ज्यादा समुद्री बीच खत्म हो जाएंगे। थाईलैंड में अपने राजा को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और यहाँ की सड़कों, चौराहों, सरकारी इमारतों और सिनेमा हॉल तक में राजा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाती हैं। थाईलैंड के पहले सम्राट थे श्री इंद्र द्वितीय, जिन्होंने 1238 में साम्राज्य की स्थापना की थी। इस देश में पहले हर पुरुष को अपने जीवन के कुछ साल बौद्ध भिक्षुओं के रूप में बिताने होते थे, लेकिन आधुनिक जीवन में धीरे धीरे यह परंपरा समाप्त होती जा रही है। थाई बाह्य व्यापार में उपयुक्त धातु है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए में लगभग 2 गुना है। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात की जाए, तो बैंकॉक में नॉनवेजी और वेज खाने के अनगिनत ऑप्शन हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट फूड तक आपको स्वादिष्ट और बेहतरीन खाने की चीजें मिल जाएंगी। यहाँ आपको दोस्तों बाजार से लेकर शॉपिंग तक में अच्छा खाना मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ 30 बात में आपको अच्छी बियर भी पीने को मिल सकती है। दोस्तों, पर्यटन के मामले में बैंकॉक ने आज लंदन, दुबई और पहली स्पेन जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ गया है। यहाँ हर साल 2.5 करोड़ से अधिक पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। यह घूमने के लिहाज से सुरक्षित और सस्ता देश है। बैंकॉक का मौसम साल भर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो बैंकॉक को अपनी नाइट लाइफ के साथ साथ अपने रेड लाइट एरिया के लिए भी जाना जाता है। दुनिया भर से कई लोग यहाँ सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही बैंकॉक में आते हैं। तो यह थी बैंकॉक से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको यहाँ आने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।